फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मजेदार पनीर मसाला की रेसिपी। फ्रेंड्स, आप जब भी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हो तो पनीर मसाला ऑर्डर करते ही आपको 10 से 15 मिनट के अंदर सर्व किया हुआ जाता है, क्योंकि उसका जो बेस ग्रेवी है ना, वो पहले से बना हुआ रहता है। अगर अपने रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट घर में पाना चाहते हो तो आज का मेरा ये वीडियो आपको काम पे आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट क्यों करते, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पनीर मसाला बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि शिमला मिर्ची, इसको क्यूब साइज में काट किया है। लिया है प्याज, इसको भी सेम क्यूब साइज में काट किया। 10 से 15 क्वा लहसुन लिया है। 2 इंच अदरक, 7 से 8 काजू, एक बड़ा साइज का टमाटर और लिया है एक बड़ा साइज का प्याज। ये पनीर वजन में 250 ग्राम की है। इसको अभी हम मैरिनेट करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से हल्का हाथों से मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स हो गया। अभी हम एक पैन लिया है, पैन में दे देंगे थोड़ा सा तेल और तेल गर्म होने के बाद धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ डालेंगे। लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज और काजू और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक और ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। इसी टाइम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे रखें और नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए अभी फ्राई हो गया और इसको अभी हम एक प्लेट में उठा लेते हैं। अभी हम इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद एक पेस्ट रेडी करेंगे। इसको एक मिक्सर ग्राइंडर की जार में ले लिया है, इसको इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे और इसका पेस्ट भी रेडी हो गया। अभी हम एक पैन में ले लेंगे 2 चम्मच तेल और तेल गर्म होने के बाद पनीर को एक एक करके धीरे धीरे डालेंगे फ्राई करने के लिए। पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद उठा लेंगे। देखिए पनीर का कलर चेंज हो गया और पनीर फ्राई हो गया। इसको अभी एक थाली में उठा लेते हैं। अभी वही तेल के ऊपर 3 लौंग, 1 दालचीनी, 3 छोटा इलायची, 1 स्टार मसाला और 1 बड़े इलायची डाल देती हूँ और थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे जब तक ना मसाला से एक स्मेल बाहर आ जाए। अभी हम जो पेस्ट पहले बना के रखा था वो अभी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे तेल के साथ। और अभी हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। ग्राइंडर की जार में मसाला लगा हुआ था, उसमें पानी डाल के वही पानी इसमें डाली हूँ। ज़्यादा पानी मत डालें और अच्छे से मिक्स कीजिए। अभी हम ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा पकने के बाद देखिए मसाला से थोड़ा थोड़ा तेल दिख रहा है, तो इसी टाइम ऐड कीजिए शिमला मिर्ची और प्याज। इसको अभी अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। ये
एक से डेढ़ मिनट के बाद देखिए तेल का लेयर मसाला के ऊपर कितना अच्छे से आया है। तो अभी मसाला अच्छे से पक गया, तो अभी हम ऐड करेंगे पनीर और हल्का हाथों से मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया है, अभी हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गर्म पानी और पूरा प्रोसेस गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे रखें। अब जैसा ग्रेवी पसंद करते हो उसके हिसाब से पानी डालें। मैं बोलूँगी ज़्यादा पानी मत यूज करें, क्योंकि रेस्टोरेंट जैसा पनीर बनाना चाहते हैं तो ग्रेवी थोड़ा थिक रखना है। अभी ऐड करेंगे क्रश किया हुआ कसूरी मेथी और डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला पाउडर। अभी लास्ट में ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आप टेस्ट करके डालें, क्योंकि बेस ग्रेवी बनाने के पहले भी मसाला फ्राई करने के टाइम नमक डाले थे, पनीर में भी नमक है। अभी देखिए पनीर मसाला लगभग रेडी हो गया है ना, रेस्टोरेंट जैसा कलर और थिकनेस। अभी हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये पनीर मसाला बहुत ही कम टाइम में रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का पनीर का रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलते और एक नया रेसिपी लेके। तब तक आप आपका ख्याल रखिए।